नमस्कार भाई और बहनों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं डिजिटल लाइफ। जियो फोन का प्री बुकिंग तो अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन अगर आपने जियो फोन बुक किया था और आपका पैसा कट गया है लेकिन अभी तक आपको कोई कंफर्मेशन मैसेज नहीं आया है, या फिर आपको कंफर्मेशन मैसेज तो आ गया है लेकिन अभी तक आपको स्टोर का डिटेल्स पता नहीं चल पाया है। साथ ही अगर आप जियो फोन बुक करते वक्त जियो का नंबर ना यूज करके कोई भी थर्ड पार्टी ऑपरेटर का नंबर यूज किए थे, तब आप अपने जियो फोन का बुकिंग स्टेटस कैसे पता कर पाएंगे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको आज का इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप जियो फ़ोन बुक करते वक्त जियो का नंबर यूज किए थे, तब आप माई जियो एप्लीकेशन का माई वाउचर सेक्शन में जाके बड़े ही आसानी से अपना जियो फ़ोन का बुकिंग स्टेटस पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जियो फ़ोन बुक करते वक्त जियो का नंबर यूज ना करके कोई भी एक थर्ड पार्टी मोबाइल ऑपरेटर का नंबर यूज किए थे, तब उस केस में सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से माई जियो का एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना होगा। अगर आपका फ़ोन में पहले से ही माई जियो का एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है और आप जियो का सिम से लॉग्ड इन कर चुके हैं, तब उस केस में आपको पहले माई जियो का एप्लीकेशन को ऑन इंस्टॉल करना होगा और उसको फिर से आपको इंस्टॉल करना होगा। देखिए, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, चलिए इसको अभी ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, आपसे कुछ परमिशन मांगा जाएगा जिसको कि आपको अलाउ करना है। चलिए, सभी परमिशन को मैं यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद आपको होम पेज पे मैनेज बुकिंग का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपको टैप कर देना है। जैसे ही आप मैनेज बुकिंग के ऊपर टैप करेंगे, यहाँ पर आपसे कहा जाएगा एंटर योर मोबाइल नंबर टू प्रोसीड। यहाँ पर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर देना है जो कि आप जियो फ़ोन बुक करते वक्त दिए थे। तो जल्दी से चलिए मैं यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। आप जैसे ही मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे, जेनरेट ओटीपी का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद आपके फ़ोन पे एक 6 डिजिट का ओटीपी आएगा जिसको कि आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। चलिए मैं मेरा ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर टैप करना है। देखिए, ये है मेरा मैनेज बुकिंग माई वाउचर सेक्शन, जियो फोन इंडिया का स्मार्टफोन बुकिंग वाउचर। यहाँ पर आपको मेरा जियो फोन का बुकिंग स्टेटस दिख रहा है और आपको आपका पिन कोड भी यहाँ पर मिल जाएगा जहाँ से आप अपना फ़ोन कलेक्ट कर सकते हैं। बाय सेक्शन भी आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन बाय सेक्शन में अभी हम लोगों को कुछ करना नहीं है। तो चलिए मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग फीचर दिखाता हूँ, ट्रांसफ़र। अगर आप अपना प्री बुक्ड जियो फ़ोन को किसी रिलेटिव या कोई भी फ्रेंड को आप इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तब आप यहां से ही उसको कर सकते हैं। देखिए, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है एंटर रेसिपिएंट मोबाइल नंबर। यहां पर आपको जिसको भी आप मोबाइल सेंड करना चाहते हैं उनका मोबाइल नंबर आपको यहां पर एंटर करना होगा। और यहां देखिए करंट पिन कोड जो है, मेरा करंट पिन कोड जो है उसको आपको सिलेक्ट करना है, और ट्रांसफ़र टू जो पिन कोड है उसको आपको एंटर करना है। अगर आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस है, तब आप क्वांटिटी टू ट्रांसफ़र में जाके उसको ऐड भी कर सकते हैं या माइनस भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर जिसको भेजना है उसका एक पिन कोड यहाँ पर डाल देता हूँ। पिन कोड डालने के बाद आपको ट्रांसफ़र के ऊपर टैप करना है। फ़िलहाल मुझे किसी को भी ये मोबाइल ट्रांसफ़र नहीं करना है, तो चलिए मैं आपको हिस्ट्री सेक्शन में दिखाता हूँ क्या है। हिस्ट्री सेक्शन में देखिए, ऑल सेक्शन में ट्रांसफ़र, जैसे कि आप मेरा पहला वीडियो में देखे थे, मैं एक मोबाइल जियो फ़ोन को अपना कोई रिलेटिव को ट्रांसफ़र किया था, तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ मिल रहा है और मेरा प्री बुक वाउचर जो है उसका डिटेल्स भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और परचेज में देखिए, 2 फ़ोन बुक हुआ था, आपको 2 फ़ोन का परचेज हिस्ट्री मिलेगा। रिडीम, और रिडीम में कुछ नहीं करना है। और ट्रांसफ़र, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ मैं किसी को ट्रांसफ़र किया था, वो भी आपको दिख गया। और देखिए, व्यू सेक्शन में अगर आप अपना लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, मतलब आप
जहाँ पर पिन कोड दिए हैं वहाँ से कलेक्ट ना करके कोई भी एक दूसरा जगह से आप अगर चेंज करना चाहते हैं, तब आप यहाँ पर उस पिन कोड एडिट पिन कोड में जाके अपना पिन कोड डालिए, कितना क्वांटिटी का मोबाइल आपको चेंज करना है उसको सिलेक्ट करके चेंज पिन कोड के ऊपर टैप कर देने से आपका जियो फ़ोन बुकिंग का पिन कोड चेंज हो जाएगा। और देखिए मैनेज बुकिंग, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ये एक जियो का इंटरेस्टिंग फीचर है। जियो का माई भाउचर सेक्शन आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करता है जो कि आपको कोई भी ऑपरेटर प्रोवाइड नहीं करते हैं। जैसे कि सपोज आपका अभी एक करेंट प्लान रन हो रहा है, अगर उसका एक्सपायरी डेट से पहले आप दूसरा कोई प्लान रिचार्ज कर लेते हैं तब आपका एग्जिस्टिंग प्लान बंद हो जाता है और आप न्यू प्लान में माइग्रेट हो जाते हैं। लेकिन जियो का केस में आपका ऐसा नहीं होगा, आपका अगर कोई भी करेंट प्लान रनिंग हो रहा है आप उसी वक्त अगर कोई दूसरा प्लान रिचार्ज कर देते हैं, आपका दूसरा प्लान तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक कि आपका पुराना प्लान एक्सपायर नहीं हो जाता है। माई वाउचर्स में आप कोई भी प्लान को एडवांस परचेज करके स्टोर करके भी रख सकते हैं और आपको जब ज़रूरत हो आप उस प्लान का यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपना वाउचर्स को अपना कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड सर्कल में आप यहां से शेयर भी कर सकते हैं। जियो फ़ोन का बुकिंग स्टेटस पता करने के लिए आपके पास और एक ऑप्शन है, आप डायलर में जाकर डायल कीजिए 1800-890-8900 और इस पर कॉल कर दीजिए और सुनिए क्या हो रहा है। मैं अभी फिलहाल इसको लाउड स्पीकर में डाल रहा हूँ। वेलकम टू जियो बांग्ला चोनो एक्टिपून हिंदी के लिए दो दबाएं। टू कंटिन्यू इन इंग्लिश अपने प्री बुक्ड वाउचर की स्थिति जानने के लिए एक दबाएं। आपको जल्द ही अपने मोबाइल नंबर पर एक SMS प्राप्त होगा जिसमें आपके वाउचर के विवरण होंगे। जियो को फोन करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। उसके तुरंत बाद आपके फोन पे एक SMS आ जाएगा जिसपे आपका जियो फोन का बुकिंग डिटेल्स प्रोवाइड किया गया होगा, आपका मोबाइल नंबर, आपका एरिया का पिन कोड। और फिलहाल अभी यहाँ पर कोई स्टोर डिटेल्स नहीं दिखा रहा है क्योंकि अभी तक कोई स्टोर एलोकेट नहीं किया गया है। जैसे ही कोई स्टोर एलोकेट होगा आपको यहाँ पर स्टोर का डिटेल्स भी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको जियो फोन का लेटेस्ट न्यूज एंड जियो फोन का अनबॉक्सिंग का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल डिजिटल आई पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर तुरंत दे पाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका दिन मंगलमय हो।